हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच मिस्टर अंकित त्यागी। दोस्तों, आज का टॉपिक है बॉडी बिल्डिंग फूड। मेरे अकॉर्डिंग चार टाइप्स का बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा गुड फैट एंड चौथा मल्टीविटामिन्स। यानी कि अगर मैं सीधे सीधे वर्ड्स में बोलूँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मल्टीविटामिन्स, जो कि हमारी बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन हमारी मसल्स की भूख है, मसल्स का खाना है। अगर एक बच्चे को अपने बॉडी बिल्डिंग फील्ड में जा रहा है तो अपने बॉडी वेट का जस्ट डबल ले। अगर उसका बॉडी वेट 80 है तो 160 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए। कार्बोहाइड्रेट अपनी एनर्जी को बूस्ट करता है। लगभग अपने दिन में 50% कार्बोहाइड्रेट रखे। फैट की बात करें तो बैड फैट नहीं, गुड फैट सोर्स का यूज करें, जैसे कच्ची मूंगफली हो गई। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स हो गए, मल्टीविटामिन्स में जैसे जिंक हो गया, विटामिन ए, विटामिन B12, ये सब यूज करें। कोड लिवर ऑयल हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सभी चीज यूज करें। बॉडी हमारी हमारी मसल्स एकदम बूस्ट होंगी और इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यही मेन सोर्स है। प्रोटीन की बात करें तो सिंपल फॉर्म और कॉम्प्लेक्स फॉर्म दोनों में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी कि जैसे कि तुम्हारा चिकन हो गया, इसके अलावा फिश हो गया, चना, सोयाबीन, किडनी बीन्स, राजमा, ये सब होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। लॉन्ग टर्म के लिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूज करें और जस्ट आफ्टर वर्कआउट सिंपल फॉर्म में प्रोटीन यूज करें। थैंक यू।